Assalamualaikum students, class 6th, subject maths, Oxford countdown. Chapter number 1 hai introduction to sets, topic ka name hai infinite and finite sets. To yahan pe students aaj hum do definitions padhenge finite aur infinite sets ki. To sabse pehle hum apni first definition start karte hain finite sets. To students finite sets asal mein kya hote hain iski definition ko main read kar raha hu. A finite set contains a finite or limited number of elements या फिर objects भी बोल सकते हैं, यानी कि एक finite set ऐसा set होता है जिसमें जो elements होते हैं, जो numbers होते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, वो finite होंगी और limited होंगी. Finite का मतलब होता है जिसकी कोई हद हो, जिसकी कोई लिमिट हो, जिसकी कोई बाउंड्री हो. और आगे आर लिमिटेड, लिमिटेड का तो आपको पता ही है कि लिमिट का मतलब हद होता है, बाउंड्री होता है. तो फाइनाइट आर लिमिटेड यानी कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर, जिनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई हद हो, वो रुक जाएं कहीं ना कहीं जाके, ऐसे सेट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स. तो इसकी एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमें बात जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी. तो एग्जांपल में स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अ सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो दिन होते हैं उनका अगर हम सेट बना लें तो वो बनेगा फाइनाइट सेट. ये स्टूडेंट्स फाइनाइट किस तरह बनेगा, अब हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर. ये गिने हुए हैं, इनको हम गिन सकते हैं और इनकी एक हद है, यानी कि ये 365 इसकी हद है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जा सकते. तो इसकी एक बाउंड्री है, इसकी लिमिट है, एक ये फाइनाइट है. तो अगर हम एक साल के दिनों का अगर सेट बना लें तो ये सेट स्टूडेंट्स होगा फाइनाइट सेट. इस तरह स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल नंबर 2 है अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. अगर हम एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को काउंट करना स्टार्ट कर दें तो स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर गिनती के ही होते हैं, या तो 30 होते हैं, 40 होते हैं. रजिस्टर के अंदर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसके ऊपर उनकी जो नेम्स वगैरह लिखे होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं कि उनकी जो है काउंटिंग कितनी है. तो वो भी उतने ही होते हैं, वो ये नहीं होता कि इतने होते हैं कि हम उनको गिन ही ना सकें, अनकाउंट नहीं होते, बल्कि वो काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं. तो ये स्टूडेंट्स ये फाइनाइट सेट्स थे. तो इसके आगे स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन है इनफाइनाइट सेट्स. तो इनफाइनाइट सेट्स और फाइनाइट सेट स्टूडेंट्स सेम ही हैं, बस इसमें जहाँ पे फाइनाइट सेट में फाइनाइट और लिमिटेड आया हुआ है और इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट और अनलिमिटेड आ जाएगा बस. यानी कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, इसकी कोई हद नहीं होगी, ये चलते ही जाएंगे और हमें पता नहीं होगा कि ये कहाँ तक जा रहे हैं. तो इसकी डेफिनेशन को मैं रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. एन इनफाइनाइट सेट कंटेन्स इनफाइनाइट आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक इनफाइनाइट सेट में ना जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो इनफाइनाइट होती हैं, उनकी कोई हद नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती, वो चलती जाती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, वो रुकती नहीं है कहीं पे जाके, हम उनको गिन नहीं सकते. तो ऐसे सेट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स. तो इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम देखते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर इसकी 1 है अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. आसमान में जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं स्टूडेंट्स? जी नहीं, उनको हम गिन नहीं सकते, हमें नहीं पता कि वो कितने हैं. इसलिए इनको हम बोलेंगे कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई हद नहीं है. और अनलिमिटेड और इनफाइनाइट जो होते हैं ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स. तो एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, अ सेट ऑफ नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड इन द स्काई. ग्रेन्स बोलते हैं दाने, यानी कि ज़र्रात, ऑफ सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत और डेजर्ट का मतलब होता है सहरा. तो एक सहरा के अंदर जो रेत के ज़र्रात हैं, अगर हम उनका एक सेट बना लें, क्या आप लोग स्टूडेंट्स गिन सकते हैं एक सहरा के अंदर रेत के ज़र्रात को गिना जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता, इनको हम सोच भी नहीं सकते गिनने के बारे में. तो लिहाजा ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स. तो स्टूडेंट्स इन दो डेफिनेशन के रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हम देखते हैं. जी हम आगे चलते हैं ज़रा. जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी 1D है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ. मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. नीचे कुछ
पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें हमने ढूंढना है कि फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन है, इसका पार्ट नंबर जो वन है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर वन, सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितने शहर हैं? क्या इतने शहर हैं कि हम गिन ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो बच्चों हम देखते हैं कि जो इनको हम गिन सकते हैं इसलिए ये फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। ये फाइनाइट सेट होगा पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं, अगर हम उनका एक सेट बना लें तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि शहर गिनती के होते हैं। ये नहीं है कि अनलिमिटेड सेट्स हों, सॉरी अनलिमिटेड सिटीज़ हों और हम उन्हें गिन ही ना सकें। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन का, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो स्टूडेंट्स ये जो सेट है इसकी कोई हद है? इनको गिना जा सकता है यूनिवर्सिटीज़ को? लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या हम उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? अगर हम इनको कर सकते हैं तो ये फाइनाइट सेट होगा, और अगर हम इनको काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो जी हाँ, हम लाहौर के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गिन सकते हैं, तो लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट होगा। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, ये फाइनाइट सेट है। स्टूडेंट्स ए पार्ट नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर वन का, आगे देखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते ही जाते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड अप टू सो ऑन, ये वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक भी गिनती आप लोग गिन सकते हैं। अब हम कितनी गिनती गिन सकते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, हम गिनते जाएंगे, एक हज़ार तक गिन लें, दस हज़ार तक गिन लें, एक लाख तक, दस लाख तक, एक करोड़, दस करोड़, इस तरह हम गिनते जाएंगे, हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन जो गिनती है वो ख़त्म नहीं होगी, काउंटिंग ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सेट ऑफ होल नंबर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो इसका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर जो है हमारा फोर होगा क्वेश्चन नंबर वन का, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम देखें, नेगेटिव इंटीजर्स असल में इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन, यानी कि ज़ीरो भी शामिल होता है और प्लस का वन भी शामिल होगा उसमें, माइनस का वन भी शामिल होगा, प्लस का टू भी शामिल होगा, माइनस का टू भी शामिल होगा, प्लस का थ्री भी शामिल होगा और माइनस का थ्री भी शामिल होगा। इसी तरह इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, प्लस के भी और नेगेटिव के भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है स्टूडेंट्स के सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि हमने जो लेने हैं वो सेट ऑफ सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स ही हमने इसमें देखने हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इसी तरह ये चलते ही जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ पे जाके रुकती है, काउंटिंग तो रुकती ही नहीं है, काउंटिंग तो चलती ही जाती है, इसलिए माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह अप टू सो ऑन ये चलते ही जाएंगे और इनकी कोई लिमिट नहीं है। और इनकी अगर लिमिट नहीं है तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फाइव देखते हैं हम, यह है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ऑन अ लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन दी हुई है, एक लाइन के ऊपर अगर हम देखें कि पॉइंट्स हम कितने बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से ये मैंने लाइन बना दी है स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके ऊपर पॉइंट्स बनाना चाहें तो ये लो मैंने एक पॉइंट बना दिया इसके ऊपर, एक और मैं इसके ऊपर पॉइंट बना देता हूँ ये वाला, एक और मैं इसके ऊपर पॉइंट बना देता हूँ, इस तरह स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ इस लाइन के ऊपर, क्या हम बता सकते हैं? ये तो मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हैं। तो ये असल में हम ये नहीं बता सकते कि इस लाइन के ऊपर हम कितने पॉइंट्स बना सकते हैं, हम बेशुमार पॉइंट्स बना सकते हैं, इतने पॉइंट्स बना सकते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो एक लाइन के ऊपर अगर हम पॉइंट्स बनाएं और उनका सेट देखें, पॉइंट वन, पी वन, पी टू, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, इस तरह हम चलते ही जाएंगे और हम उन पॉइंट्स को गिन नहीं सकेंगे कि हमने कितने पॉइंट्स इसके ऊपर ड्रॉ कर लिए हैं।
तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, उसका पार्ट नंबर जो है 6 है। तो सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट के अंदर जो सेट ऑफ वोवल्स होते हैं, वोवल्स लेटर्स होते हैं, जो वोवल लेटर्स उनका अगर हम सेट बना लें, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वोवल लेटर जो होते हैं वो पांच होते हैं गिनती के, A, E, A, E, I, O, U। तो क्या हम इनको गिन सकते हैं? जी हाँ गिन सकते हैं हम इनको, पांच होते हैं ये, पांच के अलावा ये ना कम हो सकते हैं ना ये ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मुकम्मल पांच होते हैं, लिहाजा ये फाइनाइट है, इसकी एक बाउंड्री है, ये लिमिटेड है, तो लिहाजा ये कौन से होंगे स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट सेट होगा। अगर हम वोवल्स का एक सेट बना लें तो ये फाइनाइट सेट होगा जी। ये जहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो उसके पार्ट नंबर 6 थे, उसके 6 पार्ट्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे स्टूडेंट्स ये हमने ये जो क्वेश्चंस किए हैं ये कहाँ से किए हैं हमने, ये बुक के पेजेस कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं आगे चल के। तो ये ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन मैथ से लिए गए हैं ये जो पेजेस हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पहली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने पढ़ी है इसमें फाइनाइट सेट, और वो हमने आप पढ़ ली है, उसके मुतालिक हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सेकंड हमने डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ी है इनफाइनाइट सेट्स की, और इसके रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने एक्सरसाइज की है, क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज से, वो हमने कहाँ से किए हैं ये देखें। ये जो हमने पहले दो डेफिनेशंस किए हैं, ये पेज नंबर 7 था ऑक्सफोर्ड बुक का मैथ काउंटडाउन, और एक्सरसाइज जो हमने की है उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसके 6 पार्ट्स हमने किए हैं ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 था और उसके 6 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, और ये पेज नंबर 9 था बुक पर, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो ये सारा कुछ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने होमवर्क वगैरह पर करना है, होमवर्क करना, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।